आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। वो भी जब पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड दे रहे थे। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि मुसलमानों से नफरत है जनता दल यूनाइटेड को, और ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। मैंने पूर्व में भी कहा आपको कि गिरिराज सिंह जी जब लगातार नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हैं तब तो वो बिल में समा जाते हैं, लेकिन अगर एक मुसलमान, एक दाढ़ी रखने वाला मुसलमान, एक टोपी रखने वाले नमाजी मुसलमान ने जब नीतीश कुमार जी के स्टैंड को, कश्मीर के स्टैंड को क्लियर किया, तो आप उन पर टिप्पणी करते हैं? क्या नमाज पढ़ने वाले, टोपी लगाने वाले, दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों से इतनी नफरत है नीतीश कुमार जी की पार्टी को? क्या आप उनको उनकी हैसियत बताते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे दल में इतने विधान पार्षद हैं? और ये तो एक चीज है कि सदन के किसी सदस्य को इस तरह से जलील करना क्या जनता दल यूनाइटेड की परिपाटी है? ये भी स्टैंड अप साफ करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री। एक खबर आ रही है सर सूत्रों के माध्यम से कि पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, बलियावी लगातार घूम घूम के लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि बलियावी साहब का अपना स्टैंड है कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह से अपमानित होकर रहने। मैंने आपको कहा ना कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये उनका स्टैंड है, लेकिन किसी भी मुसलमान को सामने खड़ा करके, अपने दल में बुला करके आप उनको MLC बनाइए और उसको सामने खड़ा करके देश के मुसलमानों को गाली दीजिए, बिहार के मुसलमानों को गाली दीजिए, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बिहार के जितने जनता दल यूनाइटेड में शामिल मुस्लिम नेता हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि खुलकर इसका विरोध कीजिए, मुसलमानों को गाली देना बंद करें जदयू के नेता। सर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।